OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। ठेका सफाई कर्मचारियों ने वाटर वर्क्स का किया घेराव, गेट पर दिया धरना, आवागमन हुआ बाधित। सूचना पर पहुंचे अधिकारी बातचीत कर घेराव को हटाया। बता दें, फिरोजाबाद जिले के शिकवाबाद नगर पालिका ठेका सफाई कर्मचारियों ने 25 मार्च से वे हड़ताल पर हैं। 9 माह से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी सुबह ही वाटर वर्क्स कार्यालय पहुंचकर गेट पर धरने पर बैठ गए। नाराज कर्मचारी जमकर नारेबाजी करने लगे और गेट से निकलने वाले वाहन ना तो अंदर जाने दिए ना ही बाहर। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई तो SDM शिवध्यान पांडे, CEO अवनेश कुमार, EO अवधेश यादव, नायब तहसीलदार अवनीश कोतवाल, उदयवीर मलिक मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बात कर गेट से धरना घेराव हटवाया। रिपोर्ट ब्रजेश यादव, फिरोजाबाद। घेराव किए हुए हैं। हम ठेका सफाई कर्मचारी हैं। हम लोगों का आज 9 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हम लोगों ने बराबर काम लिया, पूरी मेहनत कराई, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने 9 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी गई, जिसके चलते हम लोग 25 तारीख से काम बंद हड़ताल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सो ही नगर पालिका प्रशासन कोई भी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते हम लोगों ने आज वाटर बस का घेराव किया है। और अब हम वाटर बस का गेट जब ही छोड़ेंगे, जब हमारा हक और अधिकार हमें मिल जाएगा, हमारा जो वेतन है वो हमें मिल जाएगा। क्यों बैठे हैं? 10 दिन से बैठे हैं, कोई सैलरी वैली नहीं है, हमारा पैसा रुपया चल रहा है, बीमार पड़े हुए बच्चे भी बीमार है, समय मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल। क्या कह रहे हैं नगर पालिका वाले? कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं आया, सब मर गए अधिकारी, कोई भी अधिकारी नहीं है। मैं अमल गुप्ता वाला कई महीने का आया, वो कितने लोग हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, उनका भी मुझे ये भी मालूम है। आपके देखिए जनवरी में 1,40,000 रुपए आया था, फरवरी में ये इतना ही आया था। धरना प्रदर्शन किया था, उसको क्या हुआ निर्णय कुछ? देखिए, जैसा हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि इन लोग कर्मचारी लोगों का वेतन नहीं मिला है, वो मिल जाए, और हमारे जो डीओ साहब हैं वो भी लगे हुए हैं, और वो वेतन दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन कर्मचारी हैं, संख्या ज़्यादा है, तो उसी बीच में कोई थोड़ा भ्रम फैला देता है, तो भ्रम की बात ही क्लियर कर देते हैं, वो वेतन बन रहा है। अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे।
teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well. अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो, कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और, ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870।